जो तो वर्ष हो गए थे कैसे, तो कैसे आगे हमने ब्रांड न्यू वीडियो में, तो कैसे आज हम लोग करने वाले हैं स्लेयर। अगर मैं आपके लिए स्लेयर कार्ड लेके आया हूँ, हर एक स्लेयर जैसे कि स्लेयर 1 हो गया, स्लेयर 2 हो गया, स्लेयर 3 हो गया, मैं हर एक स्लेयर करने के लिए कितना बजट चाहिए, क्या क्या चाहिए, मैं सब बता रहा हूँ आपको वीडियो में। एंड वीडियो फर्स्ट से लास्ट तक देखना। एंड स्लेयर गाइड है पूरा। अब बैकग्राउंड नॉइज आएगा तो थोड़ा इग्नोर करना क्या। तो फर्स्ट स्लेयर के लिए जॉम्बी पैड तो नहीं चाहिए वैसे भी। एंड रोगजू सॉर्ड ले सकते हो, फ्री सॉर्ड है। एंड टेलीकिनेसिस लगाया भाई, कोई इंचांट शार्पनेस वगैरह मैंने नहीं किया। ओके तो स्लेयर का क्रिस्ट ले लेते हैं। तो स्लेयर का क्रिस्ट आ गया एंड जल्दी से ले लेते हैं, एक्टिवेट करते हैं। ओके एंड विलेज सेंटर में जाने का है यहाँ पास से। डायरेक्ट हम लोग ग्रेवयार्ड में टेलीपोर्ट कर लो। ओके तो आज हम लोग ग्रेवयार्ड में आ गए हैं। यहाँ पास आप लोग को बस जॉम्बीज को मारना है। एंड 20 जॉम्बीज को मारने के बाद आपका स्लेयर हो जाएगा। ओके तो मैं 20 जॉम्बीज को मारने के बाद मिलता हूँ, क्योंकि मेरे को गाइड बताना है। अगर मैं मारने बैठा तो बहुत टाइम लग जाएगा एंड वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आपको मज़ा नहीं आने वाला। ओके ए फ्यू मिनट्स लेटर लोकेशन पे आ जाना। देखो कोऑर्डिनेट्स आपको दिख रहे होंगे एंड यहाँ पास आ सकते हैं। एक सेकंड गाइस, मैं ऐसे चैट को म्यूट कर दूँ, बिकॉज कई लोग की वीडियो देने में इसमें मज़ा नहीं आता। ओके चैट के साथ। ओके सिर्फ वाली लोकेशन पे आना है, किल करना है, बस इसको नहीं लगे तो इधर पास आपको आना है एंड इस बॉस को यहाँ पास मार लेना है। एंड ये देखो अपन लोग का स्लेयर 1 हो गया। ओके एंड स्लेयर 1 का मैं रिवॉर्ड ले लेता हूँ एंड अपन लोग बढ़ते हैं जल्दी से स्लेयर 2 के ऊपर। ओके स्लेयर 1 हो गया एंड स्लेयर 2 का मैं आर्मर वगैरह जल्दी से लाता हूँ एंड आपको बताता हूँ उसका कितना बजट है एंड कैसे कैसे। तो गाइस देख सकते हो मैंने स्लेयर 2 को चालू कर दिया एंड मेरे पास है एक वांड ऑफ हीलिंग जो कि स्लेयर 1 में मिल जाता है। एंड अनडेड शॉट विथ शार्पनेस स्माइट 5। ओके एंड माइनर आर्मर पहन लेना। ओके ये बंदे लोग जा रहे हैं, उनको रुको एक इसको स्पॉन होने दो एंड उसके बाद मैं करके दिखाता हूँ। एंड आप सोलो कर सकते हो। ओके कोई ज़्यादा इशू नहीं है एंड थोड़ा इधर यही वाले प्लेस में आके करना। ओके ओके यहाँ पास आ गया। ओ भाई 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 एक सेकेंड, ये वांड ऑफ मार लेता हूँ एंड मैं जल्दी से आपको दिखाता हूँ कैसे किल करना है। ओके ओके जल्दी से अपन लोग के वाले प्लेस में जाना पड़ेगा। सबसे पहले वांड ऑफ मार लेते हैं भाई, जाने नहीं दे रहा, और यहीं पास मारते हैं भाई सभी, बिकॉज अगर अंदर जाने की कोशिश करेंगे तो बॉस तो जाने नहीं देगा क्योंकि थोड़ा चिपका हुआ है। हाँ देखो सो अपन लोगों ने इसको मार लिया एंड ऐसी करके आप स्लेयर 2 को भी कर सकते हो। ओके एंड देखो आर्मर भी मेरा कुछ इंजांटेड नहीं था, अगर कर सकते तो कर लेना इंजांटेड प्रोटेक्शन लगा लेना। एंड अपन लोग का जो बॉस है मर गया, अब वो लोग हेल्प किया। ओके बट हेल्प नहीं किया क्योंकि इसका डैमेज दिखा देता हूँ कितना। सेकेंड अपन लोग बहुत हीट मार रहे थे तो इजीली हो जाता है। ओके ज़्यादा दिक्कत नहीं आता एंड आप ऐसे ही करके कर सकते हो स्लेयर 2। एंड अपन लोग अब स्लेयर 3 के गाइड के ऊपर बढ़ते हैं एंड स्लेयर 3 का मैं सामान खुद जाके दिखाता हूँ, क्या है कि मैं वीडियो ज़्यादा ही स्किप कर रहा हूँ। स्लेयर 2 के लिए मिनिमम आप लोग को क्या चाहिए, 100 शॉट चाहिए, पूरा इंजांट करना है तो कर सकते हो एंड वांड ऑफ हीलिंग चाहिए। एंड मेन अगर आर्मर अपने हिसाब से ले सकते हो, इंचांटेड वाला या विदाउट इंचांटेड, मेरे हिसाब से तो इंचांटेड आर्मर थोड़ा बेटर होगा जिससे डिफेंस वगैरह मिलता है। बॉस के सामने डिफेंस इतना काम नहीं करता बट हल्का करता है। एंड स्लेयर 3 के लिए मैं बनाता हूँ। ओके स्लेयर 3 के लिए भी ज़्यादा हार्ड नहीं है, काफ़ी ईजी है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरा तो आर्मर ही बस पड़ा भी है। ओके सो ये रहा अपना आर्मर, जिसमें मैंने वाइस वाइस लगा रखा है, वाइस लगा सकते हो काफ़ी अच्छे है। एंड देखो मैं आपको साथ के करके दिखाऊंगा एंड चलो मैं किल्स करने के बाद मिलता हूँ गाइस एंड करके दिखाते हैं स्लेयर। तो गाइस देख सकते हो एंड देखो इसके लिए क्या क्या सामान चाहिए, मैं मेनली पहले आपको उसको बता देता हूँ। ओके भाई इधर का है और ओके तो देखो यहाँ पर वाइस इंचांटमेंट वाला आपको मैग्मा आर्मर चाहिए एंड रेवनेंट फेल्चियन चाहिए एंड आपको वांड ऑफ मेंडिंग चाहिए एंड एक पैट चाहिए। ओके जॉम्बी पैट कितना भी लेवल का ले सकते हो, मेरे पास 62 लेवल का ईपी है, ईपी की ले सकते हो या रेयर भी चल जाएगा। ओके क्योंकि स्लेयर 3 है, स्लेयर 4 थोड़ा हार्ड होता है उसके लिए अलग, तो
आपको ये वाली प्लेस पे आ जाना है। एंड अपन लोग के पास वाइज है तो बहुत सारा माना है, तो अपन लोग को हेल्थ का टेंशन नहीं होना चाहिए। ओके नहीं होगा वैसे भी, वो 68 किल हुए। एंड कुछ ही किल्स करने के बाद, जैसे कि अपन लोग इधर भी किल कर सकते हैं या इधर भी, मैं आपको इधर एक करके दिखा देता हूँ डायरेक्ट से, बिकॉज उधर थोड़ा वो हो जाएगा। ओके तो देखो बॉस स्पॉन हो गया, बॉस स्पॉन होने के बाद वांड ऑफ मेंडिंग मार लेना एंड जल्दी शार्प वाला निकाल लेना ना कैबिनेट फैल के, एंड जल्दी जल्दी आपको वन लेना पड़ेगा। ओके ना बॉस आपको निपटा के चले जाएगा। देखो अभी इसलिए होने वाला है बॉस थोड़ी देर में। ओके देख सकते हो मैंने बॉस को मार दिया है विथ ये वाले सामान के साथ एंड काफ़ी इजीली मर गया है। ओके हेल्थ देख के लग रहा होगा कि हार्ड होगा, नहीं भाई देखो जो जॉम्बी पैट प्लस अपन लोगों ने जो मिक्सचर बनाया उसके साथ है ना, वाइज आर्मर के साथ प्लस रेवेनेंट फेल्चियन शार्प के साथ, तो देखो भाई डैमेज इतना ज़्यादा पड़ रहा है कि हो जाएगा। हाँ अगर कम डैमेज भी हुआ तो वाइज आर्मर है तो वांड ऑफ वेंडिंग बस स्पैम करते जाओ, उसके बाद हेल्थ तो बढ़ते जाएगा और डैमेज भी अच्छा खासा होगा, तो बॉस जल्दी ही टपक जाएगा। ओके एंड मैं स्लेयर 4 का दिखा देता हूँ, स्लेयर 4 लेकर चाहिए, मैं वेट तो ज़्यादा नहीं करूँगा, मैं जल्दी से आपको सामान दिखा दूँ। तो गाइस जो अपना लास्ट स्लेयर 4 के उसके लिए आपको एक आर्मर तो चाहिए, रेवेनेंट आर्मर चाहिए रहता है। ओके एंड उसमें प्योर लगा सकते हो, फियर्स भी लगा सकते हो, बट प्योर मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है इस समय के, और शार्प होना चाहिए। एंड यहाँ पास वांड ऑफ मेंडिंग है, मैं रोगी छोड़ इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि स्पीड बढ़ता है। ओके स्पीड बढ़ेगा तो जल्दी जल्दी मैं नॉर्मल किल्स कर पाऊँगा। ग्रैपलिंग हुक से थोड़ा सा कहीं ज़रूरत पड़ता है अगर आपने थोड़ा देखा होगा तो। एंड एक्सेसरीज़ के अंदर चले जाते हैं, मिनिमम आप कितने भी एक्सेसरीज लगा सकते हो। देखो मेरा कितना लगा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक्सेसरीज लगाए हैं। एंड देखो मैंने 5 में हर्टफुल रखा है, 1 2 3 4 5 ओके 5 में, एंड 5 में फोर्सफुल, बिकॉज स्ट्रेंथ और क्रिटिकल डैमेज अगर सेम नहीं हुआ तो फिर टीयर 4 नहीं मरता। ओके जो स्लेयर करना है ना, तो मिनिमम आपको जो मैंने रिक्वायरमेंट्स बताया उसी के साथ जाना पड़ेगा। एंड आर्मर का किल्स डिपेंड नहीं होता। ओके मतलब आर्मर का किल्स कितना भी हो चल जाएगा, जैसे मिनिमम 100 किल्स भी होगा ना तो कर लोगे। ओके एंड आर्मर का किल्स से बस थोड़ा सा एडवांटेज मिलता है, एंड हाँ ज़्यादा किल्स होगा तो ज़्यादा ही एडवांटेज मिलेगा, मिनिमम अच्छा खासा एडवांटेज मिल जाता है। ओके एंड देखो मैं स्टैटिक्स भी दिखा देता हूँ, देखो मैक्स हेल्थ मेरा इतना है, डिफेंस इतना है, इंटेलिजेंस स्पीड क्रिटिकल डैमेज चांस कम है, देखो स्ट्रेंथ तो अच्छा खासा ऑलमोस्ट सेम बोलो। ओके ज़्यादा तो सेम नहीं है। एंड देखो फार्मिंग फॉर्च्यून एंड इनसे तो फार्मिंग फॉर्च्यून नहीं, बोनस अटैक स्पीड काफ़ी कम है, सोल सैचुरेशन मैजिक फाइंड भी बहुत कम है, मेंडिंग विटालिटी फेरोसिटी भी कम है, पेट लक ठीक ही ठाक है, एबिलिटी डैमेज भी ठीक है। ओके मेरा देखो वाइस विस्टम का भी दिखा देता हूँ, कॉम्बैट का ये है बस वाइस विस्टम। ओके देखो ज़्यादा नहीं है। एंड अपन लोग का पेट तो पेट है, ओके पेट तो रहना चाहिए। एंड इस लेयर 4 को मैं ऑन करके दिखा देता हूँ, मैं किल्स भले थोड़ा सा हाइड करके करूँगा लेयर 4 में। ओके सॉरी चलो अभी मैं किल्स करने के बाद मिलता हूँ, बिकॉज बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है एंड वीडियो लंबा बनेगा तो के लोग देखते भी नहीं है, मिनिमम आपको गाइड ही चाहिए शायद। तो गाइस देख सकते हो मैंने अब अच्छे खासे किल्स कर लिए। ओके एंड 2-3 किल्स बचे हैं, कहीं भी जाके आप अपना मार सकते हो इसको। एंड मैं बोलता हूँ मैं इधर मारता हूँ, ओके या फिर मैं उधर मार लेता हूँ, नहीं उधर तो बंदे हैं भाई, वरना आप लोग कमेंट करो कि बंदे के साथ हेल्प लेते हैं भाई, विदाउट सोलो भी कर सकते हैं, बंदे लोग तो हेल्प करेंगे अगर आपसे नहीं भी हो रहा तो, या हो भी रहा तब भी हेल्प करेंगे। ओके तो अगर आपका टीयर 4 मान के चलो नहीं होता है तब भी बंदे लोग हेल्प करते हैं। देखो मैं मार के दिखाता हूँ टीयर 4, देखो भाई बंदे हेल्प करने आ जाते हैं। एंड मैं इसको सोलो भी कर सकता हूँ, देखो मेरा क्रिटिकल डैमेज 18 के हैं, एंड देखो मेरा डैमेज ही नहीं पड़ रहा भाई, इतना कम डैमेज पड़ रहा है तो इजी। एंड गया भाई इंटरनेट गया। ओके नहीं नहीं ओके बच गया। एंड देख सकते हो बंदे लोग तो हमेशा हेल्प करते हैं, तो गाइस कमेंट में प्लीज़ मत लिखना कि हेल्प हुआ है, एंड मैं भी सोलो कर सकता हूँ, बट अगर आप मेरा मेथड को यूज़ करोगे तो बंदे लोग के बिना ओके सोलो कर सकते हो। मैंने भी बहुत बार सोलो किया इसी से टीयर 4 को, देखो
बट मेरा अभी टीयर 5 नहीं होगा क्योंकि मैं स्लेयर ज़्यादा करता नहीं, बस मैं गाइड बना दिया आप लोग के लिए। देखो 10,000 एक्सपी और चाहिए स्लेयर 6 पहुँचने के लिए, एंड अभी तो टाइम लगेगा, मैं स्लेयर करूँगा। एंड मेरे को एक चीज़ अनाउंस करना है कि जब गिव अवे हो रहा था मैं थोड़ा टाइम चेंज कर दिया था, कई कई बंदे लोगों ने नहीं आ पाए थे कोई गिव अवे, तो मैं संडे को शायद तक फिर से एक गिव अवे रखने वाला हूँ। एंड इस गिव अवे में मैं डोनेट तो करूँगा बट पार्कोर की जगह। हाँ मतलब आप लोग को क्या करना है, पार्कोर को प्रैक्टिस करना है, पार्कोर करना है, एंड पार्कोर करो 100 के ले जाओ। ओके एंड मैं सोच रहा हूँ कि इस बार मैंने 500 के तो डोनेट कर लिया था, तो मैं 1,000,000 का ही डोनेशन करूँगा जो लोग नहीं आए थे उनके लिए। ओके लोग आ गए हैं तो फिर से आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पार्कोर कंप्लीट करो 100 के, एंड इस बार मैं मतलब वो डोनेट नहीं करने वाला कि जो पार्कोर कंप्लीट नहीं किया है उसको मैं डोनेट करूँगा नहीं, वो मैं लाइव स्ट्रीम में बताऊँगा। बिकॉज भाई पार्कोर को तो कंप्लीट करना पड़ेगा, मैं आपको एक बार कंप्लीट खुद करके दिखा देता हूँ, इतना इजी पार्कोर है, बंदे लोग नहीं कर पाते। ओके देखो विदाउट आर्मर के, ओके क्योंकि उस दिन भी मैंने लाइव स्ट्रीम में किया था, लाइव स्ट्रीम देख सकते हो। देखो इतना इजी पार्कोर है, आप लोग भी कर सकते हो ये। आप लोग को बहुत सारे चांसेस मिलते हैं, किसी को 3 मिलता है, किसी को तो कुछ ज़्यादा ही मिल जाता है भाई। देखो इतना ईजी है, इतना तक भी बहुत ही कम बंदे लोग पहुँचे, लिटरली बहुत कम, हार्ड है करके, मतलब हार्ड तो है नहीं यार। अरे देखो कितना ईजी पार्कोर है, आप लोग भी कर लोगे। ओके एंड ये तो 1-1 ब्लॉक का जंप है, ऐसे ऐसे कर लेंगे। ओके एंड ये ऐसा वाला जंप है, एंड ये लास्ट जंप भी हो गया। देखो पार्कोर कंप्लीट, थोड़ा हार्ट वगैरह गायब हो गया, मतलब मेरा इंटरनेट ग्लिच कर रहा है इसलिए। ओके देखो डिसकनेक्ट हो गया, तो मैं जल्दी से आउट्रो करने के लिए ज्वाइन कर ले। तो गाइस देख सकते हो, एंड अभी अपन लोग आउट्रो कर देते हैं। तो गाइस गिव अवे में यही वाला बंदा नहीं आ पाया था, ओके ये भी मेरे दोस्त है, ये भी बोल रहा था कि गिव अवे में नहीं आ पाया, तो गिव अवे में इसलिए अनाउंस कर रहा हूँ फिर से, क्योंकि बहुत सारे बंदे लोग 4 PM समझ रहे हैं बट 1 PM है, इस बार का टाइम भी 1 PM है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक के लिए बाय बाय।